कैसे हैं आप सभी। अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। एंड आज के वीडियो में जैसे कि आपको टाइटल से ऑलरेडी पता चला होगा कि पीसी बिल्ड करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स आवश्यक है, ये सारे चीज़ मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगा। एंड जैसे कि आपको पता है पीसी बिल्ड गाइड भी स्टार्ट किया हूँ इस चैनल पर, तो बिल्ड गाइड यानी जो भी डिफरेंट पीसी कंपोनेंट्स है अलग अलग से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कौन से पीसी कंपोनेंट्स कौन सा कैसा लेना है कितने बजट का, ये सारा चीज़ मैं कवर करूँगा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पीसी कंपोनेंट्स, कौन से पीसी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है एक पीसी बिल्ड करने के लिए। देखिए, जनरल परसेप्शन ये है कि अगर एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो सामने आ जाता है एक बड़ा वाला डब्बा, तो उस डब्बे में सब सारे कंपोनेंट्स रख देते हैं, तो ये कंपोनेंट्स क्या क्या है पता नहीं चलेगा, इतना कन्फ्यूजन रहता है एंड ये कैसे वर्क कर रहा है ये सब पता नहीं चलेगा। तो इसके वजह से यूजुअली जनरली हम अगर पीसी के बारे में बात करेंगे तो अरे यार छोड़ दो पीसी क्या, एक लैपटॉप ले लो करके ऐसे बोलते हैं यूजुअली। तो ऑफ कोर्स इट्स ए गुड थिंग। सी, अगर लैपटॉप आप ले रहे हैं तो एक बात डेफिनेट है कि इतना रिलायबिलिटी नहीं रहेगा आपको। एंड मोर सो अवर अगर आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए अगर कॉलेज के लिए लेके जा रहे हैं एंड यू रिक्वायर ए लैपटॉप, तभी जाकर आप लैपटॉप को खरीदी कीजिएगा। एंड इफ़ यू आस्क मी, एक पीसी तो रहना ही है घर में, अगर कोई भी रिलेटेड वर्क हो कभी भी हो तो आपको इम्पॉर्टेंट पीसी में ही रहेगा। एंड दैट टू देखिए बहुत ही सिक्योर एंड बहुत ही रिलायबल रहेगा एक पीसी। अगर वहीं आप लैपटॉप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना मनी, तो समझ लीजिए कि अराउंड 1 to 2 years पर कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स उसमें फेल्योर आ जाएगा, बीट द बैटरी हो या फिर कोई भी कंपोनेंट्स ऐसा हो, तो इसके वजह से आप ज़रूर एक पीसी घर में ले लीजिए। तो अभी पीसी जनरली देखिए, मैं क्यों ये बिल्ड गाइड बना रहा हूँ, इसलिए कि आई एम एनकरेजिंग यू, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ कि आप भी एक पीसी बिल्ड कीजिएगा घर में। तो सारे फैमिली मिलकर आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पीसी के बारे में पता चलना है तो इतने सारे कंपोनेंट्स रहते हैं क्या क्या कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे करके मत सोचिएगा आप। यू कैन बिल्ड ए पीसी वेरी इजीली। दैट टू देखिए अभी 2018 है, तो बहुत ही आसानी से सेफली आप बिल्ड कर सकते हैं कैसे भी कोई भी पीसी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर शेयर करेंगे तो इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो वैसे ही आज का टॉपिक है क्या क्या कंपोनेंट्स नेसेसरी है एक पीसी बिल्ड करने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ जब हम यूजुअली कंप्यूटर को देखते हैं जो सामने रहता है वो है कंप्यूटर कैबिनेट और केस, दैट्स नॉट द सीपीयू। वो यूजुअली हम कहते हैं अरे इतना बड़ा सीपीयू ले लिया, ऐसे नहीं, सीपीयू नहीं, वो एक्चुअली वो है कैबिनेट और केस जो एक घर जैसा रहता है, उसमें सारे कंपोनेंट्स फिट हो जाते हैं। तो अभी पहले आपको डिसाइड कर लीजिए कि कैसे कैबिनेट लेना है। देखिए 3 types कैबिनेट रहता है जनरली। पहला है फुल टावर, फुल टावर यानी कि बड़ा वाला रहता है ना टावर, तो वर्क स्टेशन नेटवर्किंग के लिए बिल्ड करने के लिए एक फुल टावर लेने का ज़रूरत पड़ सकता है, तो उसके लिए आप फुल टावर लीजिए। यूजुअली घर में फुल टावर लेने की ज़रूरत नहीं, वो स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा एंड इतने भी कंपोनेंट्स नहीं रहते हैं कि आपको एक फुल टावर वाला केस लेना है। तो यूजुअली अगर आप एक शॉप खोल रहे हैं उसमें गेमिंग स्टेशन या फिर पीसी नेटवर्किंग के लिए, तभी जाकर आप फुल टावर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जनरली सारे कंज्यूमर्स के लिए आइदर यू बाई ए मिड टावर पीसी और मिनी टावर करके आता है, और आईटीएक्स टावर जो हम कहते हैं मिनी आईटीएक्स टावर, यानी कि एक छोटा सा होम थिएटर सेटअप पीसी बिल्ड करने के लिए, मल्टीमीडिया कंटेंट मूवीज देखने के लिए एक पीसी अगर बिल्ड कर रहे हैं तो बहुत ही छोटा सा क्यूट लुकिंग पीसी भी आप ज़रूर बिल्ड कर सकते हैं वेरी वेरी ईजिली। तो ऐसे डिसाइड करना है आपको कि किस लिए आप पीसी ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में किड्स है एंड उसको सीखने के लिए, उनको सीखने के लिए ऑफकोर्स एक पीसी चाहिए, तभी जाकर आप मिड टावर वाला केस लीजिए, नॉट मिनी और माइक्रो आईटीएक्स टावर, ऐसा नहीं, मिड टावर लीजिए, एक अच्छा स्पेस रहेगा। एंड इवन अगर आप बाद में अपग्रेड करने के लिए सोच रहे हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें ढेर सारे ब्रांड्स हैं जैसे कि कूलर मास्टर का, कॉर्सर का, डिपेंडिंग ऑन योर बजट कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कैबिनेट लेना है। मैं अलग से जैसे कि मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट पीसी कंपोनेंट्स का ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, केस का हो या फिर रैम का हो, मदरबोर्ड का हो, फुल वीडियोस देखिए आप, तो उससे आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि कौन से कूलर या फिर कौन से केस पर इन्वेस्ट करना है आपको। तो इस वीडियो में हम जस्ट पीसी कंपोनेंट्स पर गौर करेंगे। तो नेक्स्ट आपको पीसी कंपोनेंट चॉइस करना है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड लेने से पहले आपको डिटरमिन करना है कि कौन सा ब्रांड का सीपीयू ले रहे हैं। तो दो ब्रांड ऑब्वियसली है, एक है एएमडी का एंड अदर वन इज़ इंटेल। तो यूजुअली इंटेल ज़्यादा बिकते हैं बिकॉज उनका रिलायबल ज़्यादा है थोड़ा एंड पावर एफिशिएंसी ज़्यादा है, यानी कि पावर कंजम्पशन कम रहता है इंटेल प्रोसेसर्स का यूजुअली। एंड इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा कॉस्टलियर रहता है
एंड अगर आप मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, मल्टी टास्क जो कर रहे हैं पीसी में, तो इतना भी आपको वैल्यू, जितना आप पैसा दिया रहते हैं उतना परफॉर्मेंस इंटेल में नहीं मिलेगा, वो एक डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग थिंग है। वहीं क्या क्या है एएमडी में, वो वाला आपको मिलेगा डेफिनेटली। अगर आप मल्टी टास्किंग कर रहे हैं तो एएमडी ज़्यादा सूट करेगा एंड मोर ओवर अफोर्डेबल भी है एज़ कम्पेयर टू इंटेल प्रोसेसर्स। लेकिन अगर एक जनरल ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस अगर चाहते हैं तो ऑब्वियसली रिलायबल तो होगा इंटेल, तो इंटेल भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा एएमडी और इंटेल और किस लिए लेना है, किसको लेना है। तो प्रोसेसर आप डिटरमिन कीजिए, क्योंकि वो प्रोसेसर जो बना रहता है उसका एक सॉकेट रहता है, यानी कि वो सॉकेट में वो प्रोसेसर फिट होता है, जो सॉकेट वो मदरबोर्ड पर रहता है। तो इसलिए आपको मदरबोर्ड लेने से कौन सा सीपीयू ले रहे हैं वो डिसाइड कीजिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने इंटेल सीपीयू ले रहा हूँ, तो इंटेल प्रोसेसर्स में सॉकेट्स जैसे कि नाम दिया है इन्होंने LGA 1150 1151 सॉकेट ऐसे आता है। 8th जनरेशन का अगर ले रहे हैं लेटेस्ट सीपीयू, तो उसको LGA 1151 का सॉकेट रहता है, तो वो वाला सॉकेट का मदरबोर्ड ढूंढना है आपको बस, और इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं इसमें। तो डिपेंडिंग ऑन द सीपीयू आप मदरबोर्ड फिक्स कीजिए। तो मदरबोर्ड में भी वैरायटीज़ है, जैसे कि अफोर्डेबल ऑप्शन 2-3000 रुपीज़ से स्टार्ट होकर अप टू 20-30000 रुपीज़ तक है मदरबोर्ड्स। तो आप जनरली एक घर में पीसी ऐसे बिल्ड कर रहे हैं तो 4-5000 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करेंगे मदरबोर्ड को, तो एक अच्छा वाला मदरबोर्ड डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो मदरबोर्ड डिसाइड कर लिया आपने, तो नेक्स्ट आपको डिसाइड करना है सीपीयू, इंटेल हो या फिर मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड का कौन सा लिया है उसके आधार पर आपको डिसाइड करना है सीपीयू, इंटेल और एएमडी। तो अगर आप चॉइस किया है इंटेल, तो इंटेल में 8th जनरेशन i3 i5 i7 है, तो i3 से भी चीप लेना है आपको तो पेंटियम गोल्ड करके है प्रोसेसर इंटेल का, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है इंटेल पेंटियम गोल्ड, वो वाला भी आप कंसिडर कर सकते हैं, एक अफोर्डेबल ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं। तो नेक्स्ट आप डिटरमिन कीजिए कि कौन सा सीपीयू लेना है। तो सीपीयू लेने के बाद आपको देखना है रैम, तो रैम कौन सा लेना है। देखिए ढेर सारे ब्रांड्स है, मिनिमम आपको कंसिडर करना है 8GB रैम, उसमें DDR4 ऑफ कोर्स रहता है, क्योंकि मदरबोर्ड जो सपोर्ट करता है वो DDR4 लेटेस्ट रैम है। तो आजकल रैम का प्राइसेस बहुत वेरी हो रहा है, बहुत कॉस्टली भी हुआ है। यूजुअली देखिए 8GB का रैम आपको 3000 रुपीज़ में मिल जाता था पहले, लेकिन आजकल अराउंड 6000 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ रहा है आपको वही रैम लेने के लिए। तो खैर कोई बात नहीं, 8GB का रैम लीजिए मिनिमम आप। तो इसमें कॉर्स एंड वेंजेंस का अलग अलग वेराइटीज़ रहता है, जैसे कि डिपेंडिंग ऑन मेमोरी क्लॉक उसका कितना रहता है, वो अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो रैम लेना है, रैम लेने के बाद आपको स्टोरेज, तो स्टोरेज कौन सा ले रहे हैं, एक मैं रेकमेंड करूँगा कि एक SSD लीजिए, क्योंकि SSD बहुत फास्ट रहता है, इसका डेटा जो राइट एंड रीड स्पीड रहता है बहुत ही फास्ट रहता है, क्योंकि इसमें डिजिटली वर्क करता है, मैकेनिकल कुछ भी नहीं रहता है, मूविंग पार्ट्स कुछ भी नहीं रहता है, तो इसकी वजह से बहुत ही वेरी क्विक एफिशिएंटली वर्क करता है। तो इसके लिए आपको एक SSD लीजिए, अगर मेरा पूछेंगे तो 250GB का आप लीजिए, अराउंड 4-5000 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको। तो 250GB SSD एक, और उसके लिए स्टोरेज करने के लिए आपका जो मूवीज़ रहता है, गेम्स रहता है, सॉफ्टवेयर्स रहता है, वो स्टोर करने के लिए एक 1TB और 2TB का हार्ड डिस्क लेना है। ऑफकोर्स यहाँ इंडिया में 2-3000 रुपीज़ ज़्यादा है रेट, तो इसके वजह से कोई भी कंपोनेंट्स लीजिए बहुत ही कॉस्टली रहता है। आजकल फॉरेन में क्या हुआ है, सारे लोग SSD से ही लेते हैं ऑलमोस्ट एवरीवन, तो क्योंकि वहाँ पर अफोर्डेबल है तो इसलिए सारे SSD से ही ले रहे हैं। तो ये खैर कोई बात नहीं, अभी आप सिर्फ मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स ले सकते हैं एंड दैट इज़ रिलायबल। तो 1TB 2TB अराउंड 3-4000 रुपीज़ में मिल जाता है, तो वो वाला एक लेना आवश्यक है। तो स्टोरेज में दोन हुआ, एक SSD 250GB एंड अनदर वन इज स्टोर करने के लिए 1TB और 2TB डिपेंडिंग ऑन योर बजट। तो इसके बाद आपको डिसाइड करना है कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लेंगे। अगर आप ज़्यादा गेम्स खेल रहे हैं, देखिए अगर मेरा सजेशन मानेंगे तो आप गेम्स खेलिए ना खेलिए, आपको एक ग्राफिक्स कार्ड लेना ज़रूरत है, वो भी अराउंड 6-7000 रुपीज़ मिनिमम स्पेंड करना है, एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। तो इसके वजह से क्या होता है, आपको बिल्कुल परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है, जो भी ग्राफिक्स ओरिएंटेड, जो भी आप ब्राउज कर रहे हो इंटरनेट पर, वहाँ पर ग्राफिक्स ओरिएंटेड जो लोड होते हैं पेजेस, ये सारे चीज़ अगर अच्छी तरह से क्विकली वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट अगर आपको देखना है, तो एक ग्राफिक्स कार्ड लेना आवश्यक है। ग्राफिक्स कार्ड इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर गेमिंग बट ऑल्सो फॉर अदर थिंग्स, सारे परफॉर्मेंस को ज़रूर अफेक्ट करेगा। तो ग्राफिक्स कार्ड लेने के बाद, ग्राफिक्स कार्ड में भी NVIDIA का आता है, AMD का आता है, आप कोई भी ले सकते हैं, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हूँ। तो इसके बाद है कूलर, कूलर अगर आप थोड़ा ज़्यादा वाला इन बजट का बिल्ड कर रहे हैं तो कूलर इज़ नेसेसरी, अदरवाइज इनबिल्ट जो स्टॉक कूलर रहता है, प्रोसेसर लेते हैं उसके साथ कूलर आता है,
वो वाला अगर रहता है तो भी चल जाएगा। यू डोंट हैव टू बाई अ सेपरेट कूलर इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग मोर देन 40-50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो स्टॉक कूलर चल जाना चाहिए। तो इतने सारे कॉम्पोनेंट्स लेने के बाद द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पावर सप्लाई। देखिए पावर सप्लाई नहीं तो ये सारे पीसी कॉम्पोनेंट्स बेकार पड़ जाएंगे, तो पावर सप्लाई चाहिए इन सारे चीज़ को रन करने के लिए। तो एक अच्छा पावर सप्लाई कैसे लेना है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए आप, उससे पता चलेगा कि कैसे और कितने वैट्स का पावर सप्लाई लेना है आपके पीसी बिल्ड के लिए। तो इन सारे चीज़ों के साथ देखिए अराउंड 7 to 8 कॉम्पोनेंट्स हुए। अभी बताने के लिए इतना लंबा हो सकता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इट्स वेरी इजी। आप जस्ट लिस्ट आउट कीजिए 7 कॉम्पोनेंट्स जो मैंने कहा, एंड लिस्ट आउट करके कौन सा लेना है, कैसे लेना है, आप वीडियोस देखिए। तो वो सारे अगर लेंगे तो मैं फुल वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे बिल्ड करते हैं एक सिस्टम को वेरी नीटली एंड वेरी एफिशिएंटली। तो वो देखने के लिए आप बने रहिए सब्सक्राइब करके। तो एक ब्रीफ वीडियो था पीसी कंपोनेंट्स कौन सा चाहिए पीसी रन करने के लिए। एंड लास्ट चीज़ ऑफकोर्स एक मॉनिटर तो चाहिए ही, मैं भूल गया मॉनिटर बताने के लिए। देखिए मॉनिटर अगर है तो डिस्प्ले करेगा, मॉनिटर नहीं है तो डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ अंदर रन होता रहेगा पीसी। तो इसके लिए मॉनिटर और टीवी, लेकिन अगर आप मॉनिटर लेंगे तो दैट्स गुड। अराउंड 6-7,000 रुपीज़ में अच्छे मॉनिटर्स मिल रहे हैं आजकल, तो वो वाला आप ले सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आप डिसाइड कीजिए, डिसाइड करने के बाद एक पीसी बिल्ड करेंगे हम। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो, अगर आप पीसी पार्ट्स खरीद करके मुझे भेजेंगे तो मैं ऑफकोर्स आपको एक पीसी बिल्ड करके ज़रूर भेज दूंगा यहाँ से। तो होपफुली आप सब्सक्राइब करके बने रहिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि सबको पता चले कि पीसी बिल्डिंग इज़ अ वेरी ऑसम थिंग एंड वेरी ईजी है आज 2018 में। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर रखना, बाय बाय।